नमस्ते, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल संस आशा में। आज हम सोने के घड़े के कीचेन क्रोशिया से कैसे बनानी है वो देखेंगे। शुरुआत करेंगे हम स्लिप नॉट से। ये मैंने स्लिप नॉट बनाई। स्लिप नॉट के बाद तीन चेन क्रोशिया के टाके बनाएंगे। अभी वो टाके होने पे जो पहला और आखिरी टाका है वो दोनों को हम स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे। ये देखिए, मैं स्लिप स्टिच से जोड़ रही हूँ। ठीक, ये जोड़ने के बाद हमको ना बीच में एक बहुत छोटा सा गोल, एक छोटा सा गैप मिलता है। छोटा है पर हमारी नीडल आसानी से पास होती है। तो अब हम 20 डबल क्रोशिया के टाके बनाएंगे। तो टाके हम कैसे बनाएंगे, पहले धागे को नीडल पे घुमा लेंगे, फिर वो जो गोल है उसके अंदर से धागा डालते हुए, नीडल डालते हुए धागे को वापस बाहर खींचेंगे और डबल क्रोशिया का टाका बनाएंगे। बस ऐसे हमको 20 डबल क्रोशिया के टाके बनाने। पहले धागा घुमा लेना है नीडल पे, नीडल को गोल के अंदर डालना है, धागे को खींच के बाहर निकालना है और फिर डबल क्रोशिया का टाका पूरा करना है। आप में से किसी को अगर डबल क्रोशिया के टाकों का ट्यूटोरियल वीडियो देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में पहले ही दिया हुआ है, वो भी हिंदी में नोट्स के साथ है, स्लो डेमोन्स्ट्रेशन है, तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं जाएगी। और वो जो छोटा खुला धागा है वो हमको ना टाकों में नहीं लेना है, क्योंकि वो हम बाद में खींचेंगे तो बीच की गैप बंद हो जाती है। तो उसको खुला ही रखिए, उसको टाकों में मत लीजिएगा। मैं आपको ये 20 डबल क्रोशिया के टाके पूरे करके दिखाती हूँ। ये मेरे 20 टाके पूरे हुए। ठीक, अब मैं पहला और आखिरी टाका जो है वो स्लिप स्टिच से जोड़ लूंगी। तो जो बीच का राउंड है, ये घड़े के बीच का राउंड है, वो पूरा हो जाता है। ठीक है, इसके ऊपर अब हमारे बाकी के राउंड आएंगे। अब हम तीन राउंड बनाएंगे। ठीक है, तीनों राउंड के लिए पैटर्न, पहले तो हम वो धागा खींच लेंगे तो बीच का गैप बंद हो जाता है। अरे भाई, हमारे घड़े के अंदर से सोना गिरना नहीं चाहिए। ठीक, अब हम तीन राउंड बनाएंगे। तीनों राउंड में हम पहले टाके में दो हाफ डबल क्रोशिया के टाके बनाएंगे। ठीक है, तीनों राउंड में पहले टाके में दो हाफ डबल क्रोशिया के टाके बनाएंगे, उसके बाद सभी टाकों में एक एक हाफ डबल क्रोशिया का टाका, और फिर पहले और आखिरी टाके को हम स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे। बस यही पैटर्न है। शुरुआत का जो पहला टाका है उसमें दो हाफ डबल क्रोशिया के टाके बनाने हैं, बाकी सभी टाकों में एक एक हाफ डबल क्रोशिया का टाका बनाना है, और जब हम आखिरी टाके तक पहुंच जाएंगे तो पहले और आखिरी टाके को स्लिप स्टिच से जोड़ लेना है। मैं आपको ये तीनों राउंड पूरे करके दिखाती हूँ। आपको अगर हाफ डबल क्रोशिया के टाकों का भी ट्यूटोरियल वीडियो देखना है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वो भी काफी आसान है, आप देख सकते हैं, रेफर कर सकते हैं। मैं आपको ये पूरा करके दिखाती हूँ। वो तीन राउंड पूरे होने पे अभी जो अगला राउंड रहेगा उसमें हम हर एक टाके में एक हाफ डबल क्रोशिया का टाका बनाएंगे। याद रखिए, हर एक टाके में एक हाफ डबल क्रोशिया का टाका। मैं ये राउंड भी आपको पूरा करके दिखाती हूँ, और जब हम आखिरी टाके तक पहुंच जाएंगे तो पहला और आखिरी टाका हम स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे। ठीक, अब उसके बाद का जो राउंड है उसमें हम लोग क्या करेंगे, एक टाके में एक हाफ डबल क्रोशिया का टाका बनाएंगे और अगला टाका छोड़ देंगे, फिर अगले टाके में एक हाफ डबल क्रोशिया का टाका, उसका अगला टाका छोड़ देंगे। तो ये हमको पूरे राउंड में करना है, हम टाके अभी कम कर रहेंगे। तो मैं आपको ये भी राउंड पूरा करके दिखाती हूँ।
अब इसके बाद हम लोग 3 राउंड बनाएंगे, ठीक है। हमारे टाके कम हो गए अभी, तो अभी हम 3 राउंड बनाएंगे। तीनों राउंड के लिए पैटर्न एक ही रहेगा। हर एक टाके में हम लोग 1 हाफ डबल क्रोशा का टाका बनाएंगे और आखिरी टाके पे पहुंचने पर पहले और आखिरी टाके को स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे। याद रखिएगा तीनों राउंड के लिए पैटर्न एक ही है, 1 हाफ डबल क्रोशा का टाका हर एक टाके में, ठीक। मैं आपको तीनों राउंड पूरे करके दिखाती हूँ। ये अब मेरे तीनों राउंड पूरे हुए, अब आखिरी राउंड बचा हुआ है। तो आखिरी राउंड में हमें क्या करना है, हर एक टाके में हम 2 डबल क्रोशा के टाके बनाएंगे, ठीक है। ये घड़ी का मुंह हो जाएगा, तो हम हर एक टाके में 2 डबल क्रोशा के टाके बनाएंगे। और राउंड पूरे पूरा करते करते हमको फिलर्स भी भरने हैं, हम आगे फिलर्स भी भरेंगे घड़े में, तो घड़े का शेप सही से दिखना शुरू हो जाता है, ठीक है। कॉटन वॉटन जो भी है, आप फिलर्स, बहुत सारे फिलर्स अवेलेबल है, ठीक। और वो हर एक टाके में 2 डबल क्रोशा के टाके बनाने, और जब आखिरी टाके तक पहुंचते हैं हम लोग, तो पहले और आखिरी टाके को स्लिप स्टिच से जोड़ लेना है। तो ये घड़ा हमारा पूरा हुआ। बस इतना याद रखिएगा, घड़े की मतलब ज्यादा फिलर्स भरिएगा, क्योंकि इसके ऊपर जो हम लोग पीला गोल लगाएंगे तो वो ऊपर उठा दिखना चाहिए, वो नीचे नहीं घुसना चाहिए, तो ऊपर उठा दिखना चाहिए, तो ज्यादा फिलर्स भरिएगा। आखिरी राउंड पूरा होने पे आखिरी राउंड में कितने टाके आए हुए वो पूरे गिन लीजिए, क्योंकि हम जो पीला गोल बनाएंगे हम उतने ही टाकों का बनाएंगे, तो पूरे टाके गिन लीजिएगा कितने टाके हुए हैं। अब जैसे हमने घड़े का पहला सर्कल बनाया था ना, बीच का गोल बनाया था घड़े का, जिसके ऊपर हमने पूरा काम किया था, वही पैटर्न फॉलो करते हुए घड़े के जो आखिरी राउंड में जितने टाके हैं उतने ही टाकों का हमको एक गोल बनाना है, ठीक है। ये देखिए हमारा ये पीला गोल पूरा हुआ। अब हम इसको जो है हमारे घड़े के ऊपर जोड़ लेंगे। तो जोड़ना कैसे है हमको, कि 2 टाकों में एक साथ नीडल डालनी है। ये देखिए मैंने फिलर घड़े के ऊपर तक भरे हुए, क्योंकि वो पीला हमारा जो गोल है वो ऊपर उठा दिखना चाहिए, ठीक है। तो अब 2 टाकों में एक साथ हम नीडल डालेंगे और धागे को बाहर खींचेंगे, ठीक है। ये देखिए मैं 2 टाकों में एक साथ नीडल डाल रही हूं, ठीक है, और धागे को बाहर खींच रही हूं और एक सिंगल क्रोशा का टाका बना रही हूं। तो इस तरह मैंने दोनों टाकों को एक सिंगल क्रोशा के टाके से जोड़ लिया। बस यही हमको करना है, 2 टाकों में एक साथ नीडल डालना है, धागा बाहर खींचना है और एक सिंगल क्रोशा का टाका बनाना है। तो यही पैटर्न से हम पूरा जो है वो बंद करेंगे, घड़ा बंद करेंगे, ठीक है। मैं आपको ये पूरा करके दिखाती हूँ। ये देखिए अब हमारा घड़ा पूरा बंद हुआ, ठीक है। पहले और आखिरी टाके को हम स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे। अब हमें आखिरी राउंड बनाना है, उसमें हम क्या करेंगे, हर एक टाके में हम लोग 1 स्लिप स्टिच बनाएंगे, लेकिन वो स्लिप स्टिच जो है हर टाके के नीचे का जो धागा है उसमें बनानी है, ठीक है। इतना याद रखिएगा, हर एक टाके में 1 स्लिप स्टिच बनानी है और हर टाके के जो नीचे का धागा है वो नीचे के धागे में स्लिप स्टिच बनानी है, ठीक है। ये देखिए ये ऐसे दिखेगा। अब जो घड़े का कोई भी एक धागा पकड़ के हम एक स्लिप स्टिच बनाएंगे, ठीक है।
ये बनाई स्लिप स्टिच। अब आपको चाहिए उतनी लंबी आप चेन क्रोशा के टाकों की चेन बनाइए, आपको चाहिए उतनी चेन क्रोशा के टाके लीजिए। इसमें बस हमको की रिंग लगानी है अभी, ठीक है। तो जब आपका चाहिए उतना बड़ा हो जाता है टाकों का चेन, तो आप उसको जैसे हम लोगों ने वहां घड़े के एक धागे के साथ स्लिप स्टिच बनाई थी, दूसरे तरफ भी हम घड़े के एक धागे के साथ स्लिप स्टिच बनाएंगे और जोड़ लेंगे, ठीक है। ये हमारी कीचेन पूरी हुई। अब आपको अगर इसे डेकोरेट करना है तो कीजिए, या फिर आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं। ये देखिए, ये वो चेन में अभी हम की रिंग लगा लेंगे हमारी, ठीक है। ये देखिए, ये मैंने ऐसे डेकोरेट किया हुआ है, ऐसे सजाया हुआ है, आपकी मर्जी, आपको जैसे सजाना है, आपको स्टोन लगाने स्टोन लगाइए, जैसे भी आप चाहते हैं। तो आपको अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को प्लीज लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और जिन्होंने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज 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 मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिया उनको तो बहुत थैंक यू, बहुत धन्यवाद। मैं ऐसे बहुत सारे वीडियोज लेके आ रही हूँ, तो प्लीज यूट्यूब चैनल सन साशा को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और प्लीज 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 सब्सक्राइब करना मत भूलिए, सब्सक्राइब कीजिए सन्स आशा यूट्यूब चैनल। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।